डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आप डीआरडीओ में जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। आइए समझते हैं। यदि आपने या तो बीएससी या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग अगर कंप्लीट कर लिया है, तब आप डीआरडीओ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ एवरी ईयर सेप्टेम एग्जाम कंडक्ट कराता है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। अगर आपने बीएससी या डिप्लोमा कर लिया है, तो आप सेप्टेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेप्टेम में बेसिकली होता क्या है, तो ये किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए वैकेंसीज आती हैं, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, या फिर अगर बात करते हैं डिप्लोमा में, तो कोई भी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग में, जैसा कि इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए या फिर सिविल के लिए, किसी स्पेसिफिक ब्रांच में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप डीआरडीओ में जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, तब आप सेप्टेम की तैयारी कीजिए। बहुत ही शानदार है, वैकेंसीज कम होती हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको बहुत स्पेसिफिक जॉब इजीली मिल जाएगी। एक बार रिपीट करता हूँ, सेप्टेम क्या होता है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। डीआरडीओ इसको कंडक्ट कराती है हर साल। तो अगर आप चाहते हैं सेप्टेम के लिए, तो सिलेबस डाउनलोड कर लेना और तैयारी स्टार्ट कीजिए। दोस्तों ये थोड़ा टफ एग्जाम है, लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार सेंटर की जॉब इजीली मिल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।